सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। जिनका कोई नहीं होता उनको भगवान अपनाते हैं, प्रभु कहते हैं। जिनका कोई नहीं होता, आप घर में रहते हो ना, जिनके 3 बच्चे होते हैं तो आप सभी लोग बड़े से ज़्यादा प्रेम करोगे और छोटे से और ज़्यादा, बीच वाले से बहुत कम करोगे। भले आप कह दो नहीं नहीं हम तो करते हैं, ये संसार का सत्य है, ये जो बातें हैं ना ये सत्य हैं। आप अगर 3 लोग हो तो बीच वाला बेचारा अटका रह जाता है, बड़े वाले का ये बड़ा है कह रहा है तो सम्मान दे दो, ये मेरा सबसे छोटा सबसे लाडला है। तो छोटे और बड़े तो संसार में विचरण कर जाते हैं, लेकिन जो बीच का होता है वो मेरे प्रभु को प्यारा होता है। क्योंकि आप लोग उसको प्रेम दे रहे हो बीच वाले को, क्या वो उसने जन्म नहीं लिया है? तब हमें समान प्रेम देना चाहिए ना। भगवान कहते हैं जिनको संसार का प्रेम मिलता है वो मेरे प्रेम से वंचित रह जाता है, और जिसे नहीं मिलता उसको मैं अपनी पलकों पे बिठा लेता हूँ। जो बहुत भगवान के परम भक्त हैं ना, जिनको आपने अभी तक कथा सुनी होगी, इन सबको अपमानित किया गया है। पहले सबको अपमानित किया गया है, भक्त ध्रुव को अपमानित किया गया, प्रहलाद को अपमानित किया गया, शबरी माता को अपमानित किया गया है, भरत को देखिए, पूरी अयोध्या अभी आप कथा में सुनेंगे, ऐसे ऐसे भक्तों को जिसने पूरा संसार उनको अपमानित किया है, उनका तिरस्कार किया है, उसको मेरे राघव आकर के अपना लिए हैं, उनके हाथ को पकड़ लिए, उनको दर्शन दिए हैं। इसलिए महाराज संसार के प्रेम को मत पालो, संसार के प्रेम को मत चाहो, मिले या ना मिले लेकिन प्रभु का प्रेम मिल जाए, यही हमारे लिए सबसे बड़ा अमृत है। और जब ये जीना आ गया ना तो समझ लीजिए हमको सब कुछ जीना आ गया।